नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ICICI Lombard और Go Digit के बारे में। दोनों कंपनी से जब गाड़ी का इंश्योरेंस आप कराते हैं तो दोनों के प्लान्स में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या सिमिलरिटी है, दोनों कंपनियां आपको अपनी गाड़ी के लिए, आपकी गाड़ी के लिए क्या क्या फीचर ऑफर करती हैं, क्या क्या प्लान वो आपको देती हैं, बात करेंगे इसी के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो सारी वीडियो अपने लेके आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं दोनों कंपनियों के फीचर्स के बारे में, क्या क्या बेनिफिट आपको दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, अगर ICICI Lombard की बात करें तो ICICI Lombard फेयरफैक्स फाइनेंस के साथ मिलकर इंडिया में अपना कारोबार करती है। ICICI Lombard इंडियन कंपनी है, वहीं फेयरफैक्स कंपनी बाहर की कंपनी है। तो ये दोनों कंपनियां मिलकर कारोबार करती हैं, इनका पार्टनरशिप में ये बिजनेस चलता है। बात करते हैं Go Digit की। तो दोस्तों, Go Digit पूरी तरीके से एक इंडियन कंपनी है, इसका किसी कंपनी के साथ टाई अप नहीं है और ये पूरी तरीके से अपना कारोबार खुद चलाती है। बात करते हैं कैशलेस की। तो कैशलेस गैरेज आपको ICICI Lombard में मिलने वाले हैं लगभग 12,000 से ज़्यादा। वहीं अगर बात करते हैं Go Digit की, तो यहाँ मिलने वाले हैं लगभग आपको 6,500 के आसपास कैशलेस। तो कैशलेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है, लगभग डबल का डिफरेंस है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कैशलेस मैं गाड़ी के लिए बता रहा हूँ, ये टू व्हीलर के लिए भी है, या फोर व्हीलर के लिए भी है, या कमर्शियल व्हीकल के लिए भी है, ऐसे ही सेम यहाँ पर है। तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि ICICI Lombard में आपको काफ़ी अच्छा कैशलेस मिलेगा, लेकिन Go Digit में थोड़ा सा आपको कम मिलेगा। बात करते हैं जीरो डेप की। अप टू 7 ईयर्स आपको कंपनी जीरो डेप देती है अगर बात करें ICICI Lombard की। वहीं अगर Go Digit की बात करें, Go Digit भी आपको 7 साल तक जीरो डेप पॉलिसी प्रोवाइड करती है, बल्कि Go Digit कई बार आपको 8वें साल में आपको जीरो डेप पॉलिसी आपकी गाड़ी के लिए दे देती है। बात करते हैं क्लेम सेटलमेंट की। दोस्तों, क्लेम सेटलमेंट ICICI Lombard का है 97% के आसपास। वहीं अगर बात करते हैं Go Digit की, तो इनका है लगभग 95% के आसपास। बात करते हैं कवरेज की। तो दोस्तों, कवरेज आप इसे ले सकते हैं कॉम्प्रेहेंसिव पॉलिसी, ऑन डैमेज पॉलिसी, थर्ड पार्टी पॉलिसी। सिमिलर चीज़ आप यहाँ ले सकते हैं, इनसे भी आप कॉम्प्रेहेंसिव पॉलिसी ले सकते हैं, ऑन डैमेज पॉलिसी बाई कर सकते हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले सकते हैं। बात करते हैं एडॉन्स की, कि जब आप पॉलिसी लेते हैं, कॉम्प्रेहेंसिव पॉलिसी लेते हैं, आप जीरो डेप पॉलिसी, जब आप कॉम्प्रेहेंसिव पॉलिसी लेते हैं, आप ऑन डैमेज पॉलिसी लेते हैं, तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो बात करते हैं जीरो डेप की। जीरो डेप आप ऐड कर सकते हो, आप कंज्यूमेबल कवर ऐड कर सकते हो, आप इंजन कवर ऐड कर सकते हो, आप रिटर्न टू इनवॉइस ऐड कर सकते हो, आप टायर कवर ऐड कर सकते हो, आप पर्सन बिलोंगिंग ऐड कर सकते हो, गैरेज कवर, की रिप्लेसमेंट, NCB प्रोटेक्शन, इसके अलावा EMI प्रोटेक्ट, इसके अलावा आजकल जो नया फीचर आया पे एज यू ड्राइव, तो जितना आप गाड़ी चलाते हो उस हिसाब से आप पैसा पे करते हो, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। उसके अलावा PA कवर, जो कि मैंडेटरी 15 लाख का कवर है, वो आप यहाँ से ले सकते हो। ड्राइवर कवर, जो आपने गाड़ी के लिए ड्राइवर रखा हुआ उस ड्राइवर के लिए आप कवर ले सकते हो। और साथ में पैसेंजर कवर, जितनी भी आपकी गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी है उस हिसाब से आप पैसेंजर कवर भी अपनी गाड़ी के लिए ले सकते हो। बात करते हैं Go Digit की। तो Go Digit में आप जीरो डेप ले सकते हो, कंज्यूमेबल, इंजन कवर, RTI, टायर कवर, पर्सनल बिलोंगिंग, की रिप्लेसमेंट, NCB प्रोटेक्शन, डेली कन्वेंस, रोड साइड असिस्टेंस, पे एज यू ड्राइव, PA कवर, ड्राइवर कवर, पैसेंजर कवर। तो ये कवर आप Go Digit से ले सकते हो। अब डिफरेंस कितना है इन दोनों में, अब देखो यहाँ पर आपको EMI प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो कि आपको ICICI Lombard में मिल रहा है, लेकिन Go Digit में आपको EMI प्रोटेक्शन नहीं मिलता। अगर आपकी गाड़ी सर्विस सेंटर में खड़ी है 1 महीने 2 महीने से, तो फिर कंपनी आपकी बिहाफ पर जो EMI है उसको भी कंपनी पे करती है, लेकिन वो सिर्फ आपको ICICI Lombard में मिलेगा, आपको Go Digit में नहीं मिलेगा। और एक जो नया फीचर आया पे एज यू ड्राइव, वो दोनों में आपको मिल रहा है, वो आपको ICICI Lombard में मिल रहा है, वो आपको Go Digit में मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पर, लगभग प्लान सेम है। सिर्फ बात करें तो जो EMI प्रोटेक्शन है वो आपको एक्स्ट्रा मिलता है ICICI Lombard से, लेकिन वो Go Digit में नहीं मिलता। बाकी एड ऑन में आप दोनों चीज़ों में बराबर, दोनों कंपनी में बराबर एड ऑन ले सकते हो, आपको लगभग चीज़ें सारी मिल जाएंगी, लेकिन कैशलेस में आपको डिफरेंस मिलेगा और आपको कंपनी के ब्रांड में फ़र्क मिलेगा। ICICI Lombard की ब्रांडिंग सभी जानते हैं, ICICI Lombard इंडिया में बहुत सालों से काम कर रही है और इसकी ब्रांड वैल्यू बिल्कुल अलग है, लेकिन Go Digit थोड़ी सी नई कंपनी है, 4-5 साल 6 साल इस कंपनी को हुए हैं अभी, तो वो अपनी मार्केट वैल्यू इंडिया में बना रही है, लेकिन वो भी ठीक ठाक काम कर रही है। तो दोनों कंपनियों में से आपको अपनी गाड़ी के लिए जहाँ से भी सस्ता प्रीमियम मिलता है, कम प्रीमियम मिलता है, फीचर लगभग सेम ही मिल रहे हैं, तो जहाँ से कम प्रीमियम मिल रहा है वहाँ से आप अपनी गाड़ी के लिए इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंपनी के और फीचर्स के बारे में। तो नंबर ऑफ क्लेम जीरो डेप के, ICICI Lombard आपको मिल देगा 2 क्लेम, आप हर साल 2 क्लेम ले सकते हैं जीरो डेप में। अगर आप उससे ज़्यादा लेते हैं तो आपको कॉम्प्रेहेंसिव क्लेम उसमें मिलने वाले हैं।
लेकिन वही बात करें अगर गो डिजिट की, तो गो डिजिट में आपको ऑप्शन मिलते हैं, एक क्लेम का ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, दो क्लेम का ऑप्शन चूज कर सकते हैं और अनलिमिटेड क्लेम का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। प्रीमियम का डिफरेंस थोड़ा सा रहेगा, लेकिन वहां पर दो क्लेम फिक्स है, आप उसमें कोई भी ऑप्शन चूज नहीं कर सकते इसके अलावा, ना अनलिमिटेड का ले सकते हैं ना एक क्लेम का ले सकते हैं। लेकिन गो डिजिट आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, आपको एक क्लेम चाहिए, आपको दो क्लेम चाहिए, आपको अनलिमिटेड क्लेम चाहिए, आप जो मर्जी लो, आपकी मर्जी है। और मेरे हिसाब से ये फीचर बहुत अच्छा फीचर है। प्रीमियम का डिफरेंस रहेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 300-400 रुपये डिफरेंस आता है तीनों ही उसमें। तो अगर आपको एक्स्ट्रा पे करना है, आप एक्स्ट्रा पे करके आप अनलिमिटेड ले लीजिए, आपको लगता है कि भाई मुझे क्लेम नहीं लेना, तो आप एक क्लेम का ऑप्शन ले लीजिए, आपका उसमें फ़ायदा ही होने वाला है। बात करें सर्वे चार्जेस की, तो 5% लगती हैं दोनों कंपनियाँ, दोनों ही कंपनियों में आपको सर्वे चार्जेस लगेगा 5%। आप चाहे तो रिक्वेस्ट करके इसको फ्री भी करा सकते हैं, मतलब कई बार कंपनी कर भी देती हैं और कई बार कंपनी नहीं भी करती हैं। फाइल चार्ज की बात करते हैं, तो 1000 और 2000 रुपये, अगर आपकी गाड़ी 1500 cc से नीचे है तो फिर आपका लगेगा 1000 रुपये, और अगर आपकी गाड़ी 1500 cc से ऊपर है तो वहाँ आपका लगने वाला है 2000 रुपये, और दोनों ही कंपनियों में आपका फाइल चार्ज सेम लगेगा। बात करते हैं CNG की, अगर CNG या LPG अपनी गाड़ी में आप ऐड कराते हैं, LPG तो कोई नहीं कराता, CNG ही ऐड कराएंगे आप, अगर कंपनी फिटेड आ रही है तो जो भी वैल्यू उसकी होती है वो ऑलरेडी ऐड होती है IDV के अंदर, आपको ऐड नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर आप CNG अपनी गाड़ी में लगवा रहे हैं तो आपको अलग से IDV ऐड करनी होती है, तो जितने का भी बिल होगा, जितने की भी उस गाड़ी की उस CNG की वैल्यू होगी, वो कंपनी आपको उसके हिसाब से आपसे प्रीमियम पे चार्ज करेगी, और जितना भी आपका वैल्यू होगा उसका 4% कंपनी आपसे चार्ज करेगी। तो चाहे वो CNG हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज हो, चाहे वो नॉन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरी हो, अगर अपनी गाड़ी में आप ऐड करा रहे हैं तो जितना भी आपका बिल होगा उसका जो भी टोटल अमाउंट होगा उसका 4% आपसे कंपनी चार्ज करेगी। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल या नॉन इलेक्ट्रिकल का अमाउंट होता है 1,00,000 रुपये, तो कंपनी उसका 4% के हिसाब से लगभग 4,000 रुपये चार्ज करेगी। वैसे अगर मान लीजिए CNG की वैल्यू है 50,000 रुपये, तो 4% के हिसाब से कंपनी आपसे 2,000 रुपये उसमें चार्ज करेगी। तो दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही कंपनियों में 4% ही आपसे चार्ज करेगी। बात करते हैं NCB की, तो अप टू 50% NCB आपको मिलने वाला है दोनों ही कंपनियों में, ये स्टैंडर्ड रेट होता है। किसी भी कंपनी में आपको इतना ही मिलता है, मैक्सिमम अप टू 50% ही मिलता है, और IRDA की गाइडलाइन के हिसाब से ही मिलता है। पहले साल आपका 0 मिलेगा, दूसरे साल आपको 20%, फिर 25%, उसके बाद 35%, 45% और फिर 50%। तो अप टू 50% कंपनी आपको देती है, अगर आप क्लेम लेते हैं तो ये 0 हो जाता है और फिर दोबारा से वो स्टार्ट हो जाता है। कवरेज की बात करते हैं कि कवर क्या क्या चीज़ें कवर्ड करते हैं। आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, अब आपको ये नहीं पता कि कवर क्या क्या चीज़ होने पर आप उससे क्लेम ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो आप क्लेम ले सकते हैं, अपनी गाड़ी में जो भी डैमेज हुआ है उसको आप ठीक करा सकते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज से अगर कोई डैमेज हो रहा है, बाढ़ से, बारिश के पानी से, पानी में कहीं गाड़ी चली जाती है तो कहीं डैमेज हो रहा है, या फिर कोई पहाड़ गिर गया, या कोई भी नेचुरल ऐसी चीज़ है जिससे कि आपकी गाड़ी को डैमेज हो रहा है, तो कंपनी वहाँ पर आपको पे करेगी। बात करते हैं थेफ्ट की, तो गाड़ी अगर आपकी चोरी होती है तो कंपनी वहाँ पे करती है जो भी अमाउंट होगा, या तो अगर ID भी है तो ID भी आपको पे करेगी, अगर आपने रिटर्न टू इनवॉइस लिया हुआ है तो रिटर्न टू इनवॉइस के हिसाब से पे करेगी। उसके अलावा अगर आपकी गाड़ी पर आग लग जाती है तो कंपनी आपको जितना भी आपका ID भी होता है या फिर जितने की आपका रिटर्न टू इनवॉइस की वैल्यू होती है उतना आपको कंपनी वहाँ पर पे करती है, और ये दोनों ही कंपनियों में सेम है। नॉट कवर्ड की बात करते हैं, क्या क्या चीज़ें कवर्ड नहीं होती, तो वियर एंड टीयर आपका कवर्ड नहीं होता, जो भी चीज़ें आप डेली गाड़ी यूज़ करते हैं उसमें आपके जो भी छोटे छोटे स्क्रैचेज डेंट लगते रहते हैं वो कंपनी आपसे कवर नहीं करेंगी। आपकी गाड़ी जब भी लगती है आप अपनी गाड़ी को ले जाएं, छोटा डेंट है बड़ा डेंट है आप अपनी गाड़ी को ठीक करा लें, लेकिन आप अपने गाड़ी पर जो छोटे छोटे स्क्रैचेज उनको इकट्ठा करके रखते हैं, भाई मैं बाद में करा लूँगा, कभी गाड़ी लगेगी तब इकट्ठा करा लूँगा, तो कंपनियाँ इनको पे नहीं करती, बाद में ही अपनी जेब से आपको ठीक कराना होगा। बात करते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव की, तो ड्रिंक करके अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो कंपनी आपको पे नहीं करेगी, चाहे वो ICICI Lombard हो, चाहे वो HDFC हो, या फिर कोई और इंश्योरेंस कंपनी, आपको कुछ भी पे नहीं करने वाली है। मैकेनिकल ब्रेकडाउन अगर कुछ होता है तो कंपनी लायबल नहीं है उसके लिए, सिर्फ एक्सीडेंट, नेचुरल कैलेमिटीज, थेफ्ट और फायर के लिए लायबल है। डेली गाड़ी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आपके इंजन में आ रही है, आपकी गाड़ी में आ रही है, कंपनी उसके लिए लायबल नहीं है। विदाउट लाइसेंस अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर आपकी 18 साल से उम्र कम है या फिर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, तो कंपनी आपको कुछ भी पे नहीं करेगी, सब कुछ आपको अपनी जेब से ही पे करना पड़ेगा। बात करते हैं लॉस ड्यू टू वॉर एंड न्यूक्लियर रिस्क, अगर किसी कंट्री से लड़ाई चल रही है उस लड़ाई के दौरान आपकी गाड़ी अगर डैमेज हो जाती है तो कंपनी आपको पे नहीं करेगी। इसके अलावा अगर कोई न्यूक्लियर रिस्क है तो वहाँ पर भी कंपनी आपको कुछ भी पे नहीं करेगी, उसके लिए कंपनी लायबल नहीं है।
स्पोर्ट्स एक्टिविटी, अगर अपनी गाड़ी का इस्तेमाल आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में करते हैं, आप रेसिंग करते हैं, आप किसी भी तरीके की स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अपने वाहन का अगर इस्तेमाल करते हैं, तो फिर कंपनी वहाँ पर लायबल नहीं है और आपको कुछ भी आपको उसमें पे नहीं करने वाली, सब कुछ आपको खुद पे करना पड़ेगा। तो अगर बात करें दोनों कंपनियों के फीचर्स के बारे में, तो लगभग लगभग सेम से ही है, सिर्फ यहाँ पर आपको दो क्लेम मिल रहे हैं और यहाँ आपको मिल रहा है एक क्लेम, दो क्लेम और अनलिमिटेड क्लेम। तो यहाँ आपको कई ऑप्शन मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फिक्स है दो क्लेम ही आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको आईसीआईसीआई लोमबार्ड का भरोसा मिल रहा है, बहुत पुरानी कंपनी है, अच्छा काम करती है, इंडिया में इसका अच्छा खासा नाम है और लोग इस पर भरोसा करते हैं। कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जो सिर्फ आईसीआईसीआई लोमबार्ड से ही इंश्योरेंस कराते हैं, चाहे महंगा है चाहे सस्ता है, उनको किसी और से मतलब नहीं है, सिर्फ आईसीआईसीआई लोमबार्ड चाहिए। लेकिन गो डिजिट अभी नई कंपनी है, मार्केट में अपनी पहचान बना रही है मार्केट में, तो अभी 5-6 साल हुए इस कंपनी को, लेकिन कंपनी भी ये भी ठीक काम कर रही है। तो अगर आपको प्रीमियम ठीक मिलता है दोनों में से किसी भी कंपनी से, तो आप ले सकते हैं। लेकिन जब भी आप पॉलिसी लेते हैं, तो अपने सर्विस सेंटर में ज़रूर चेक करें कि आपके सर्विस सेंटर में कौन सी कंपनी कैशलेस है, कौन सी नहीं है। जो कंपनी आपके सर्विस सेंटर में कैशलेस है उसको लें, उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। उसमें आपको पहली बात तो रिइंबर्समेंट नहीं कराना पड़ेगा, कैशलेस सारा मिल जाएगा, और उसके अलावा वो व्यक्ति आपको बता भी देगा, जो सर्विस सेंटर वाला वो बता भी देगा कि दोनों कंपनियों में से आपको किस कंपनी का इंश्योरेंस कराना ठीक रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं सपोर्ट की, कि जब भी आप इन कंपनियों से इंश्योरेंस लेते हैं तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करें। तो दोस्तों जब भी आप इन इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं, तो फिर आप इनके कस्टमर केयर पर भी बात कर सकते हैं। अगर ऐसे लोमबार्ड की बात करें तो कस्टमर केयर नंबर है 1800-2666, आप कंपनी के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको नई पॉलिसी लेनी है, आपको रिन्यूअल कराना है, आपको एंडोर्समेंट करानी है, या कुछ और चीज़ें आपको लेनी है करनी है, या फिर क्लेम के लिए बात करनी है, तो कंपनी के नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा कंपनी के ईमेल आईडी पर ईमेल भी कर सकते हैं, customersupport@icclombard.com, तो कंपनी के ईमेल आईडी पर आप ईमेल भी कर सकते हैं। उसके अलावा कंपनी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं icclombard.com ज़्यादा जानकारी के लिए। वहीं बात करें अगर गोडेजिट की, तो गोडेजिट का नंबर है 1800-258-5956, तो यहाँ भी कंपनी के नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इनका ईमेल आईडी है hello@godigit.com, तो कंपनी को ईमेल भी कर सकते हैं। उसके अलावा godigit.com पे विजिट भी कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी आप इस कंपनी के बारे में ले सकते हैं। तो दोस्तों दोनों ही कंपनी बढ़िया हैं, दोनों ही कंपनी ठीक हैं, लेकिन अगर बात करें कंपनी दोनों कंपनियों में अगर बात करें, तो ICICI Lombard ज़्यादा बेहतर कंपनी है। मैं गोडेजिट को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ICICI Lombard ज़्यादा बेहतर कंपनी है, आपको ICICI Lombard से ज़्यादा अच्छी सर्विस मिलने वाली है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो आज का ICICI Lombard और गोडेजिट को लेकर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है मैं जरूर बताएं, कोई सवाल है कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं, कोई सुझाव देना चाहे तो दे सकते हैं। उसके अलावा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है, तो फिर अपने दोस्तों में इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।